तो दोस्तों आज की एडिटिंग कुछ इस तरह की होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस एक भी पॉइंट को आप मिस मत करना जिससे कि आपकी एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है एंड अपना बैकग्राउंड लेना है सबसे पहले। तो बैकग्राउंड मैंने ले लिया है एंड आपको ऐड फोटो भेजाना है। ऐड फोटो भेजाने के बाद गाइस आपको सिंपली अपना मॉडल लेना है। मैंने उसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर लिया था, आप इरेज कर लेना। और आपको नहीं पता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वो कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, वहाँ से देख के आप कर लेना। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको साइज इसको बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना एंड यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप लगा लेना अपने हिसाब से जो भी आपका मॉडल हो। तो मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है एंड अब की बार आपको गर्ल्स का पीएनजी लेना है, ठीक है। तो मैं गर्ल्स का पीएनजी ले लेता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, बैकग्राउंड पीएनजी और लड़की की सारी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको आप इस तरह से कुछ बड़ा करके आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐड कर लेंगे एंड जो कि आपको लगे कि हाँ मेरे साइज में ही खड़ा है, ठीक है। एंड इसकी कैपेसिटी को आपको कम करना है एंड कम करने के बाद इरेजर पे चूज़ करना है एंड बाकी इसके हार्डनेस को फुल कर लेना एंड जो बाकी का पार्ट्स दिख रहा है आपको हैंड, इसको आप रिमूव कर लेना, ठीक है, इरेज कर लेना यहाँ से परफेक्टली तरीके से। आप प्यार से इसको इरेज कर लेना, तो जिस तरह की मैं कर रहा हूँ आप भी इस तरह से कर लेना सिंपली। तो मैंने आपको यहाँ से करके दिखा दिया एंड गाइस सिंपली आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से अपने हेयर्स निकाल लेने हैं, ठीक है, इस लड़की के हेयर्स निकाल लेने हैं ताकि लगे कि हाँ हमारे कंधे पर इसके हेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना एंड इसकी कैपेसिटी को फुल कर लेना एंड गाइस करने के बाद गाइस आपको डन कर लेना, ठीक है। डन करने के बाद गाइस आपको सिंपली आप फिर जाना अपने ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस डाउनलोड में चले जाना है एंड मैंने आपको वहाँ आपको लाइट का पीएनजी दे रखा है, ठीक है, जिससे कि हमारे फोटो में रियलिस्टिक लुक आता है। तो मैं आपको ले लेता हूँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर वो है। तो गाइस मुझे इस तरह का मिल गया है एंड मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इसके ब्लेंड मोड पे जाना है एंड इसके स्क्रीन कर लेना, ठीक है, इसको स्क्रीन कर लेना, यहाँ से जाके स्क्रीन पे कर लेना एंड यहाँ पे अपने इस तरह से सेट कर लेना, ठीक है, जिससे कि लगे कि हाँ हम दोनों पास में ही खड़े हैं। इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद गाइस यहाँ से फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको फिर से आपको एक ब्लर वाला जो लेना है ग्रास का, ठीक है, वो भी लिंक मैंने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है वो और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जिससे कि हमारे रियलिटिक लुक आता है। इसको ऐड कर लेना एंड ऐड करने के बाद इसको फ्लिप कर लेना, आपको घुमा लेना, ठीक है। तो घुमाने के बाद गाइस इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं एंड इसको बड़ा कर लेना जो कि फुल फ्रेम में आ जाए, ठीक है, एंड इस तरह से आपको कर लेना एंड इसको डन कर लेना यहाँ से गाइस। इसको सेट करने के बाद तो गाइस देख सकते हैं हमारा फोटो एकदम बहुत अच्छा बन चुका है एंड गाइस सिंपली हमें इसको डन कर लेना एंड जाना ड्रॉ टूल में, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको फोटो को सेव कर लेना। सेव करने के बाद गाइस हमें चलना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में जिससे कि हमें इसमें कलर ग्रेडिंग और अपने फेस पर चमक करना है, ठीक है। तो हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन एंड ओपन करने के बाद गाइस हमें ऑल फोटोज पे जाना है एंड अभी हमने जो फोटो बनाया है उसको हमें अभी यहाँ पे करना है ऐड, ठीक है। तो प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके हम यहाँ से अपने फोटो को चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ऐड। तो गाइस हमारा फोटो ये देख सकते हैं आ चुका है एंड इसको कर लेना ओपन, ठीक है। वैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से फोटो मिल जाएगा एंड सिंपली हमें जाना है मिक्स टूल पे। इस जाने के बाद गाइस इसको हमें इसकी ल्यूमिनस को बढ़ाना है एंड सेचुरेशन को कम करना है, ठीक है। कम करने के बाद गाइस इस रेड वाले पे क्लिक करना है एंड यही प्रोसेस आपको फिर से करना है एंड अब हमें जाना है ब्लू वाले ऑप्शन पे एंड इसको थोड़ा सा डार्क करना है। तो इधर को करना है इसकी ह्यू को एंड इसकी ल्यूमिनस को कम करना है एंड कम करने के बाद गाइस आपको इस तरह का फोटो मिल जाएगा देखना। एंड गाइस आपको यहाँ जाना है एंड बिगनेट को इसको कम करना है। कम करने के बाद गाइस आपको क्लियरिटी लानी है एंड क्लियरिटी लाने के बाद गाइस इसके डेस्क को भी बढ़ा देना है टू, ठीक है। एंड इसको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड इस पर नॉइज रिडक्शन पे जाना एंड करने के बाद गाइस उसको कलर नॉइज को भी बढ़ाना है इसको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना एंड ब्राइटनेस वाले इस पर सूरज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सपोजर को बढ़ा देना, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाना है इसकी, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट को कम कर लेना, शैडो को बढ़ा लेना एंड वाइट को भी बढ़ा लेना एंड इसके ब्लैक को कम कर लेना एंड इसका देख सकते हैं कि हमारा बिफोर एंड आफ्टर इस तरह का हमारा फोटो बन चुका है। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस हमारा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है एंड गाइस सिंपली इसको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड सेव टू डिवाइस कर देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।